कुछ हेलो मैडम, तुमको पता नहीं कहाँ पर डालना है कचरा? इधर डाल रही हो? अरे भैया, ये रास्ता ना मुझे साफ दिखा इसलिए डाल दिया। वैसे तुम्हारा घर भी तो साफ होगा, उधर क्यों नहीं आला? भैया ये कचरा मैं घर से ही लाई हूँ। वैसे भी मुझे तो बस घर साफ होने से मतलब है, बाहर जो भी दो मुझे क्या। देखो देखो क्या गंदा सा कंपार्टमेंट था रे वो? हाँ गुरु जी, बहुत गंदा था। ओके, नया गांव है, बोल किधर चलते हैं? बोल गुरु जी, आज सब्जी मंडी जाएंगे। सब्जी मंडी जाएंगे, चल चलते हैं। आठो पहुंच गए सब्जी मंडी? हाँ गुरु जी पहुंच गए। किधर है सब्जी मंडी गुरु जी? ये सब्जी मंडी है? हाँ गुरु जी, ये तो सब्जी मंडी है। यही सब्जी मंडी है? और क्या? यही तो सब्जी मंडी है। हाँ गुरु जी, यही तो सब्जी मंडी है। अरे तेरे को, अरे मैं वेज आइटम खरीदने आया था रे, इधर तो मैंने शहर को नॉन वेज आइटम दिख रहे। देख उधर काउ, इधर बिल्ली, गाय, भैंस, तेरे को नहीं दिखाई दे रही क्या? गुरु जी ये तो मामूली जानवर है ना। नहीं हम ना साधु सन्यासी लोग हैं, इधर से हम खाएंगे तो हमारा अपवित्र हो जाएगा। नहीं नहीं हम नहीं खरीदेंगे। चल 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 गुरु जी, एक केला खरीदो। केला खाएगा, इतना भूख लग रहा तेरे को? उधर देख थोड़ा अच्छा लग रहा, उधर से ले ले। चल हाँ, रुक 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 रुक, ये मुझे को पान दे दे। अच्छा लगता है। रुक जा रुक जा रुक जा, एक डाउट है, पूछ लो। हाँ गुरु जी पूछ लीजिए। पूछ लो, मुझे एक बात पता नहीं चल रहा है। जब से देख रहा हूँ घर से निकल रहे हैं, तब से देख रहा हूँ बच्चों मास्क पहन के घूम रहा है, क्यों? अभी तो कोरोना भी नहीं चल रहा है। गुरु जी मुझे ना स्पिटिंग कोबरा से डर लगता है। स्पिटिंग कोबरा वो क्या होता है? गुरु जी एक ऐसा सांप जो कि जहर फूंकता है। जहर फूंकता है? स्पिटिंग कोबरा तेरे मास्क क्या लेना देना रे? गुरु जी जैसे स्पिटिंग कोबरा जहर फूंकता है, वैसे आप कुछ और फूंकते हो। क्या 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 बोला? रुक रुक, क्या बोला? रुक रुक, तेरे को पता है? चल चल घर चल चल। हाँ चलेगा चलेगा चल। हाँ काम खत्म हो गया। हाँ लग गई। कौन डाला ये पहले का चिकला? देखो देखो ये मानव है, मानव, इनका इग्नोरेंस को देखो। अच्छा हुआ कि मैं बच गया इन मानवों के अत्याचारों से, क्योंकि आप धरती हो और मैं चांद। अरे चंदा मामा ज्यादा खुश मत हो जाना, ये मानव जब दूर खड़े मंगल ग्रहों को ही नहीं बचा पाए, तुम तो उनके प्यारे से चंदा मामा हो। मुझे लगता है तुम्हारा डार्कनेस परमानेंट होने में ना बहुत टाइम नहीं रहा है। और सुनो ये मानव देखो, ये लोग पैरों में पहनने के लिए जूते एसी वाले शोरूम से खरीदते हैं, पर खाने के लिए सब्जियां इस मच्छी बाजार में खरीदते हैं। वैसे और एक सीन है, दिखाओ क्या? हाँ क्यों नहीं, देखो फिर। आजकल ब्रेक का टाइम थोड़ा कम नहीं हो रहा है? हाँ यार ये ब्रेक का टाइम कुछ ज्यादा ही कम हो रहा है। अरे अरे दोस्तों तुम लोग क्या कर रहे हो? रैपर फेंक रहे थे। इतना हमारे कैंपस को गंदा नहीं करना है।
रैपर के बारे में सोचना बंद कर दे। कभी कभार ना इसके अंदर के टेस्टी चिप्स के बारे में भी सोच लिया कर, समझी? देखो चंदा मामा, इन धरती वासियों को इग्नोरेंस को देख लिया। हाँ धरती माता, आजकल के बच्चे भी कैसे हो गए। वही तो, इन बच्चों को अगर एग्जाम क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क का ऐसे लिखने के लिए आ जाए स्वच्छता के ऊपर, तो ये लोग 10 में से 10 ले आए। पर एग्जाम हॉल से बाहर आते ही इन लोगों का स्वच्छता कहीं बाहर ही हो जाता है। हाँ तो धरती माता, ये सब ठीक कैसे किया जाए? अरे ये साफ करना तो मेरा दाएं हाथ का खेल है। अगर ये इंसान खुद समझ के मुझे साफ कर ले तो अले भले, अगर नहीं के तो जल का प्रलय। दोस्तों जैसे कि आप लोग देखे हैं कि हमारे धरती माता हमारे ऊपर बहुत नाराज है। हमारे धरती माता को सर